हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स स्टैचू का तीसरा और अंतिम भाग। ओह आई एम सॉरी, मैं अपने ख्यालों में इतना खोई हुई थी कि अपने या ध्रुव के। एक्सक्यूज मी, तुम नताशा हो ना? हाँ, पर आप, मैं ध्रुव का कजिन हूँ तरुण। तुम्हारी एक फोटो श्वेता ने नेट पर मेरे मेल अकाउंट में भेजी थी, पर तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? बस कुछ खास नहीं, वैसे आपसे मिलकर खुशी हुई। अब मैं चलती हूँ, टैक्सी। अरे ये क्या, टकराने से नताशा की घड़ी गिर गई है। अरे ये तरुण भाई क्या दिखा रहे हैं, रोको भाई। अरे तुम टैक्सी रोकते क्यों नहीं, रोको टैक्सी। स्टैचू, ये तो बोनो में से एक है। अबे अबे ये क्या है भाई, कैप्टन कैप्टन, नताशा मैडम पर किडनैप अटेम्प्ट हुआ है। एक आदमी उनको बचाने में घायल भी हो गया है। मैं भी कोशिश करता, पर मैंने न्यूज़ आप तक पहुंचाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। किसने ऐसी कोशिश की है? एक बोने, टैक्सी ड्राइवर ने। बोना? इन लोगों को सावधान करना पड़ेगा कि ये बोना कौन है। अरे ये स्टैचू वाला बोना है, इससे उलझने की कोशिश मत करना। वही बोना जो स्टैचू बोलता है, फिर गुलाम बना लेता है, फिर चोरी करवाता है, हत्या करवाता है। ये हमारी भी यही हालत कर देगा, भागो। भाग गए सब। कहाँ गया वे बोना? आई एम सॉरी ध्रुव, ये शायद मेरी गलती की वजह से हुआ है। तरुण जी आप यहाँ पर कैसे? मैंने दरअसल लोगों को बचाने की कोशिश की थी, पर भगदड़ मच गई। दरअसल मैं यहाँ पर तुमको ये दिखाने आया था, यह गैजेट हमारी डेनमार्क ब्रांच ने डेवलप किया है। ये बोनो द्वारा पैदा की गई खास साउंड वेव्स को मैच कर सकता है और उनकी एंटी वेव्स बनाकर उस असर को ख़त्म कर सकता है। पर यहाँ आते ही मेरी मुलाकात नताशा से हो गई, फिर टैक्सी वाले बोने द्वारा उसके अपहरण का प्रयास किया गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, टैक्सी टकराई और रुक गई। फिर वह नताशा को लेकर न जाने कहाँ भाग गया। भागेगा कहाँ, पर यह समझ में नहीं आया कि नताशा को कब्जे में लेकर बोने आखिर किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, नताशा के करीब तो सिर्फ दो ही लोग हैं, एक तुम और दूसरा रोबो। क्या यह संयोग है? अभी नताशा ने मुझे रोबो की खराब हालत के बारे में बताया और अभी उसका अपहरण हो गया। किस सोच में पड़ गए ध्रुव? सुनो, अगर नताशा बोनो के चंगुल में है तो अब हमारे पास उसको आज़ाद कराने का रास्ता भी है। यह वॉइस कमांड कैसेलर, इसका प्रयोग कंप्यूटराइज्ड वॉइस पासवर्ड को खोलने के लिए किया जाता है। यह वॉइस कमांड की विपरीत साउंड वेव्स बनाता है। इसमें मैंने एक बोने की आवाज़ रिकॉर्ड कर ली है और इसने उस आवाज़ की कैसलेशन वॉइस बना ली है। अब अगर हम नताशा को ढूंढ सके तो हम उसको बोनो के स्टैचू कमांड से आज़ाद करा के उसको कुछ भी गलत करने से रोक सकते हैं। पर नताशा को बोने कहाँ ले गए हैं, इसका पता चल पाना बहुत मुश्किल है। हम ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं कर सकते, इंतज़ार तो करना ही होगा। ये ऑपरेशन शुरू से ही कुछ अपशकुनी है। पिछली बार तो किस्मत से भगदड़ मच गई जो मैं बच गया। हर बार किस्मत हमारा साथ नहीं देगी। और ये मनहूस हैबी, ध्रुव की गर्लफ्रेंड, हमने मधुमक्खियों के छत्ते में पत्थर मार दिया है। जब तक छत्ते में हाथ नहीं डालेंगे तब तक शहद कैसे मिलेगा? असली काम तो अब शुरू हुआ है। पहले वाला काम तो सिर्फ प्रैक्टिस सेशन था। उसने वादा किया है कि इस ऑपरेशन के बाद हमारी जिंदगी बदल जाएगी।
सिर्फ बोनों की ही नहीं, कई और लोगों की भी जिंदगियां बदल जाने वाली थी। ट्रीन ट्रीन ट्रीन, रात के इस वक्त कौन आ सकता है? बाहर गेट पर तो गार्ड बैठे हैं। ओ हाँ, उनमें से ही कोई एक होगा। वॉकी टॉकी काम नहीं कर रहा होगा। कौन हो तुम, क्या काम है, और गेट पर गार्ड्स ने तुमको रोका क्यों नहीं? रोका था पर हम रुके नहीं। क्या चाहिए तुमको? रोबो, अंदर आ जाओ। तुमको किसने बताया कि यहाँ पर रोबो मिलेगा? यहाँ पर कोई रोबो नहीं रहता। मुझे गन दिखाने का जरूरत कभी मत करना। ऐसा तो सिर्फ एक ही शख्स बोलता है। कमांडर नताशा, ग्रीटिंग सुप्रीम कमांडर एंड अपोलोजीज, पर आपको इस तरह से आने का जरूरत क्यों पड़ी? और आपको राजनगर के इस अत्यंत गुप्त अड्डे का पता कैसे चला? मुझे रोबो से मिलना है। पर ग्रैंड मास्टर यहाँ नहीं है, तो तुम यहाँ पर क्यों हो? क्या है इस दरवाजे के पीछे, मरता हुआ रोबो? नहीं कमांडर, रोबो यहाँ नहीं है, और आई एम सॉरी, आप यहाँ से आगे नहीं जा सकती। मैं पीछे नहीं जाती, और मुझे डैड से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये है दरवाजे के पीछे की कहानी। ये कौन है, अंदर कैसे आ गई? अरे कोई इसको बाहर निकालो, इस वक्त यहाँ पर अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा। मुझे यही करना है। तुम जानती हो प्रोडक्ट के बारे में? कौन हो तुम? धड़ाक धड़ाक, तुम्हारे बाप की बेटी। मैं आई तो थी रोबो से इसी का पता उगलवाने, पर मुझे पता नहीं था कि काम यहीं पर हो जाएगा। अब मैं इस प्रोडक्ट को यहीं पर टर्मिनेट कर दूंगी। नताशा को रोकने वाला कोई नहीं था। अब प्रोडक्ट को टर्मिनेट होने से सिर्फ एक ही शख्स बचा सकता था, खुद प्रोडक्ट। तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो नताशा? तू मुझे जानता है? गुड, अब कम से कम तुझे अपनी मौत का नाम तो पता है। मौत बेनाम हो तो ना मरने वाले को मजा आता है और ना ही मारने वाले को। आहा, तुझ पर 11,000 वोल्ट के झटके का भी असर नहीं हुआ। तू सचमुच में वैसा ही अजीबो गरीब है जैसा मुझे बताया गया था। तुझ में आम वारों से बच सकने की अद्भुत क्षमता है। तुझ पर धारदार तलवार और शायद गोलियां भी बेअसर साबित हो, पर सुपर स्ट्रॉन्ग एसिड एक्वारेजिया का यह बादल तेरी किसी चालाकी को चलने नहीं देगा। प्रोडक्ट में अनजान शक्तियां तो जरूर थी, पर था तो वह 10 साल का एक बच्चा ही, और बच्चे एक्वारेजिया के बादलों से तो क्या एक घुटकी से ही डर जाते हैं। कोई नताशा से दूर भाग रहा था तो कोई नताशा के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ये 40 मिनट पहले की रिकॉर्डिंग है कैप्टन। इससे सिर्फ इतना पता चलता है कि बोना नताशा को लेकर राजनगर के दक्षिण की तरफ गया है, पर कहाँ यह नहीं पता। पूरे शहर में हमारे जो भी कैमरे लगे हैं उन सब की 40 मिनट पहले की फुटेज चेक करो। शायद किसी कैमरे ने नताशा की फुटेज ली हो। उनकी पहले ही छानबीन की जा रही है कैप्टन। हमारे 1001 कैमरों की उन फुटेज को 200 कैडेट चेक कर रहे हैं। जल्दी ही रिजल्ट पता चल जाएगा। अरे ये क्या है, क्या क्या है? हम नताशा मैडम को ढूंढ रहे हैं। ये मुझे नताशा मैडम लगती है। ये तो ओबामा ओसामा कोई भी हो सकता है, पर इसकी खबर करीम सर को तो देनी ही चाहिए ना। वो तो है, जा बता कर आ। और कुछ ही पलों के बाद, क्या कहते हो कैप्टन? कद काठी तो नताशा से मैच कर रही है, पर पक्की तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। कहीं ये कोई नया क्राइम तो नहीं हो रहा है? संभव है, चेक करना पड़ेगा। यहाँ का एड्रेस क्या है? सावरकर मार्ग, राजनगर।
अनजाने में ही सही, पर ध्रुव सही जगह पर जा रहा था। उफ, उफ, एक बार एजा क्लाउड मेरी खाल तक पहुंच गया है। अगर ये मेरे शरीर के अंदर पहुंच गया होता तो तू किसी काम का नहीं रहता। पर बचेगा तू अब भी नहीं। ये मंत्र ये भी इसी रूम में था, ये यंत्र ये भी इसी रूम में था। तुमको इसके बारे में भी पता है कैसे? अब तू ये जान भी लेगा तो क्या कर लेगा? जानना तो तुमको है नताशा, यह यंत्र 10 फुट से ज़्यादा दूरी होने पर काम नहीं करता, और मैं बैकअप प्लान हमेशा तैयार रखता हूँ। और सुन लो, जब तक मैं इस यंत्र में सिक्योरिटी कोड फीड नहीं करूँगा, यह यंत्र 5 मिनट के बाद सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, और अगले 5 मिनट में तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकती। तू सच कह रहा है, मैं तुझ तक 5 मिनट में नहीं सिर्फ 2 मिनट में पहुंच जाऊंगी। मेरे पास 3 मिनट फिर भी बचेंगे तेरी खोपड़ी उड़ाने के लिए। नताशा, नताशा जल्दी कर, बस यही आखिरी मौका है तेरे पास। यह उड़न शक्ति कुछ ही मिनटों तक तेरा साथ देगी। नहीं नताशा, ये कौन है मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हारे हाथों से किसी का नुकसान नहीं होने दूंगा। नहीं, मैं आई तो थी सिर्फ इसे मारने, पर अब तू भी नहीं बचेगा ध्रुव। होश में आओ नताशा, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूं, तो बिना लड़े मर जा। तरुण जी, आप यहां भी? ध्रुव, नताशा अभी बोनो के कब्जे में है। सिर्फ यही नताशा को मंत्र कैद से आजाद कर सकता है। इसका इस्तेमाल करो, इसका एक्टिवेट वाला बटन दबाओ। खट, मैं तुझे पर वो लड़का कहाँ गया जिसे नताशा मारना चाहती थी? शायद मौका पाकर भाग गया, पर वह था कौन? बेहतर होगा आज तुम मेरे घर में ही आराम करो नताशा। मुझे तरुण जी का एंगल कुछ संदिग्ध लग रहा है, पर मैंने उनकी फोटो के साथ पापा को वीडियो मेल भेज दी है, बस उनका जवाब एक बार आ जाए तो। तुम यहाँ कैसे आ गए? कार की डिग्गी में बैठकर मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। पर तुम हो कौन? ग्रैंड मास्टर रोबो स्टैचू जारी रहेगा जब तक नहीं हो जाता गेम ओवर। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स की कहानी जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग गेम ओवर में। तब तक के लिए धन्यवाद। ध्रुव बना बोनो का मोहरा, उसे बचाना है नताशा को, तो मारना है रोबो को। नताशा बचे या रोबो, ध्रुव का दोनों ही स्थितियों में हो जाएगा गेम ओवर। विल बी अपलोडेड सून।